अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन किराम, हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है कि हमारे आका इनामदार सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक का महीना हमारे सर पर साया फिगन हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी मजलिस उलमाए दक्कन की जानिब से रुयत के सिलसिले में जो इजलास हुसैनी बिल्डिंग मौजम जाही मार्केट पर मुनक़िद हुआ, उसमें हमको बेशुमार मकामात से यूँ तो बारिश की इत्तलात मिली और चाँद की नज़र नहीं आने की बातें हमको मालूम हुई, लेकिन तहकीक पर हमको पता चला कि हमारे ही करीबी नल दुर्ग में, जहाँ पर उलमाए जामे निज़ामिया भी हैं, उन्होंने रबीउल शरीफ के चाँद को देखा और उसकी इत्तला यहाँ पर मुसद्दका तौर पर हमारे हज़रत मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला शेखुल जामिया आमिर जामिया रुकन सदर मजलिस उलमाए दक्कन की खिदमत में पेश किया। लिहाजा कल बरोज़े जुमेरात एकुम रबीउल मुनव्वर शरीफ होगी और फिर 12 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमेरात हम मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सबको ईद मिलाद की मुबारकबाद। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व असहाबिहिल अकरमीन अजमाईन, अम्मा बाद। हज़रात, मुल्क के अक्सर हिस्सों में बारिश का सिलसिला चल रहा है और बाद हिस्सों में अबर आलू भी मतला रहा। इसके बावजूद बाद मकामात पर मतला साफ था, जिसमें हमसे करीब तर इलाका नलदुर्ग है। वहाँ जाम निज़ामिया के उलमा और दीगर हजरात ने चाँद को देखा, उनकी शहादत कबूल कर ली गई। इसी तरह अहमदाबाद गुजरात में और मध्य प्रदेश के बाद इलाक़ों में और उड़ीसा के बाद इलाक़ों में रुयत की इत्तला मिली, उसकी भी तस्दीक की गई। इस लिहाज से सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने ऐलान किया है कि कल एकुम रबीउल अव्वल रोज़े पंज शब्बा है।